प्रकाश पुंज ही महादेव का आदि स्वरूप है। आपने महादेव को देखा अवश्य है, किंतु आप उन्हें देख नहीं पाए। और महादेव इस रूप में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि हम सब उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार देख सके। परंतु महादेव का मूल स्वरूप तो अनंत ही है, वो असीम है, कालातीत है। यदि ऐसा है तो वो कालातीत प्रकाश पुंज अब भी प्रज्वलित होगा, है ना? अवश्य। देखना चाहोगे? आओ। मुझे यहां लाने का उद्देश्य महादेव की ज्योति देखने आया हूं मैं, यहां महादेव की पूजा करने नहीं आया मैं। यहां भक्ति के स्थान मुझे ज्ञान के कभी अनुकूल नहीं लगते। महादेव तो भक्ति के सागर हैं। अब सागर के अंतरतम से परिचय चाहते हो और भीगने का भय? आप मुझे पुनः वाद विवाद की ओर ले जा रहे हैं ऋषि विप्लव। शब्दों के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं तो बस महादेव की अनंत ज्योति देखना चाहता हूं, बस। तो आइए, सागर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बात केवल इतनी है कि महादेव हैं भक्ति के सागर और हम तो केवल बूंद हैं। एक बार सागर में उतर जाते हैं तो भूल जाते हैं, सागर के साथ एक हो जाते हैं। कुछ बूंदें घुलती नहीं, पृथक कर दी जाती हैं सदा के लिए, जैसे स्वेद की बूंद। यदि अब आपकी महादेव स्तुति का अंत हो चुका हो तो आरंभ करें। महादेव की ज्योति, जिस पुंज से महादेव की शारीरिक कृति हमें दिखती है, वो ज्योति देखना चाहता हूं मैं। दिखाइए मुझे वो ज्योति, वो शक्ति पुंज सर्वत्र है। यदि वो हर स्थान पे तो दिखते क्यों नहीं? यदि वो असीम है तो अंश भी कहीं होगा। कदाचित, क्योंकि हम सब भी उसी के अंश हैं। यदि ये कंकड़ सदा से इस मुट्ठी में ही हो और एक दिन अचानक हम उसे पूछे कि इस मुट्ठी का आकार क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा। आवश्यकता है
तो बाहर आकर देखने की। आप पृथक होने की बात कर रहे थे, परंतु वास्तव में आप पृथक कहां हो पाए? यदि दिव्य ज्योति को देखने की इच्छा है तो ऊपर उठिए आकाश में, और तब सबसे पृथक होकर देखिए। आप देवकंपन के शिष्य हैं, तो आपका मायावी विद्या में निपुण होना अपेक्षित ही नहीं, स्वाभाविक ही है। तो उठो लोहितांग, आकाश की तरफ चलो और देखिए ना जाने क्या दिख जाए। असीम अनंत की ओर बढ़ो। मुझे महादेव की ज्योति दिखेगी, कहां है वो प्रकाश पुंज? बोलो। क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे ये स्मरण नहीं रहा कि शिवांश होकर भी आपने अपनी चेतना पर कितनी धूल एकत्रित होने दी। ऋषि प्रह्लाद मैं तुम्हारा शिष्य नहीं, और ना ही मैं यहां तुमसे अपने बारे में जानने आया। मुझे महादेव के बारे में बता सकते हो या नहीं? कहाँ है तुम्हारा प्रकाश पुंज? मैं कहा था कि वो यही है। कहा? यही तो समस्या है। आप जिसे देखना चाहते हैं उसे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो आपके सामने होकर भी आपको नहीं दिख रहा। वैदांत, आप जिसे देखना चाहते हैं उसके दर्शन पाने में व्यक्ति के जन्म ही नहीं, युग बीत जाते हैं। स्वयं को उस दर्शन का पात्र बनाने के लिए, परंतु आप तो शिवांश हैं, आपको इतना समय नहीं लगेगा। एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए महादेव से अपने आप को जोड़ना होगा। शुद्ध निश्चल निस्वार्थ मन से मुझे तुम्हारे महादेव से जुड़ने की ना ही कोई इच्छा है और ना ही आवश्यकता। फिर भी आप जुड़े हुए हैं, यही सत्य है। चाहे आप इसे स्वीकार करें ना करें, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसे देखना चाहते हैं या नहीं? एक क्षण के लिए सब भूल जाइए, भूल जाइए वो द्वेष जो आपके मन में है। केवल उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए बिना किसी निहित उद्देश्य के। दर्शन पाने की इच्छा मन में रहे और स्मरण कीजिए एक ऐसा क्षण जिसमें आपको उनकी सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई हो। लोहितांग, केवल एक आप ही नहीं है जिनका समय मूल्यवान है।
श्री ज्योतिर्लिंगाय नमः। इतने सारे प्रकाश ये कैसी माया है ऋषि प्रहलाद? यही तो है जो माया नहीं, ये सभी प्रकाश पुंज उस एक प्रकाश पुंज के ही प्रत्यक्षीकरण है, स्वरूप है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो एक पारस स्थानों पर है, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है ये 12 ज्योतिर्लिंग? मैं जानना चाहता हूं इनके बारे में अभी इसी क्षण। ये ज्ञान मुझे मेरे गंतव्य की ओर अवश्य ले जाएगा। बताइए, इसी क्षण बताइए। अब उसे शीघ्र ज्ञात होगा महादेव कि उसने क्या देखा है। उसकी दृष्टि भक्ति की नहीं है महादेव, वो इस ज्ञान का प्रयोग सही कृत्यों के लिए नहीं करेगा, वो आपके विरुद्ध आएगा महादेव। और ये उचित है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, यहां शत्रु अज्ञान था और लोहितांग के द्वेष का आधार भी यही अज्ञानता ही है, किंतु जब भक्ति के मोहांत में भक्त स्वयं प्रश्न करना ही छोड़ते तो वो भी तो अज्ञानता ही होती है। अपने धर्म पर प्रश्न उठाने का अधिकार तो सबको है ब्रह्मदेव, क्योंकि जब तक व्यक्ति की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक उसका समर्पण भी पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, गंतव्य भले ही एक हो, सबकी यात्रा अलग है और होनी भी चाहिए। प्रथाओं, नीति रीति, नियम को बिना प्रश्न के स्वीकार करना कभी उचित नहीं होता ब्रह्मदेव। ऐसे भक्तों को कभी ना कभी कुंठा अवश्य होती है, इसलिए धर्म में भय नहीं होना चाहिए। धर्म के पालन में आवश्यक है उसे स्वयं समझना। निरंतर मन में जो भी प्रश्न उठे उसका उत्तर ढूंढना। जो धर्म स्वयं व्यक्ति को ही स्वतंत्र ना कर सके वह धर्म नहीं होता ब्रह्मदेव। जो धर्म व्यक्ति के दमन का आधार बने वो धर्म नहीं। धर्म तो वो है जो व्यक्ति को इस जीवन यात्रा में सशक्त बनाए, जटिल से जटिल परिस्थितियों में उसे सदैव चलते रहने का मार्ग दिखाए, उसे साहस दे। धर्म तो मित्रता है, सहचर है, और धर्म में कभी पक्षपात नहीं होता। इस संसार में सबको स्वतंत्रता है कि वो जो भी धर्म स्वीकार करे वो हमारे साथ हो या हमारे विरुद्ध।